हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी फूड फ्रेंजी। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है बट वेरी पॉपुलर रेसिपी, जो है आलू पालक की सब्जी। आप किचन में गए और आपको कोई भी सब्जी दिख नहीं रही है, तो बनाइए झटपट बनने वाली, जस्ट 10 मिनट में बनने वाली सब्जी आलू पालक की। इसमें मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस को यूज किए हैं, जो इस सब्जी को और भी न्यूट्रिशियस बना देती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपके परिवार वालों को पसंद आए, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो पालक आलू की सब्जी का बनाने के लिए मैंने लिया 2 बंडल ऑफ पालक। उसको डंठल निकाल के उसके पत्तों को अच्छे से धोकर मैंने उसको बहुत ही बारीक काटा है, ताकि कोई भी जंक नहीं रहे। डंठल निकाल दिया है मैंने, और डंठल निकालने के बाद बहुत ही सॉफ्ट। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम किया है मीडियम फ्लेम पे, और उस कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच तेल डाल दिया। कुकिंग ऑयल है ये, मैं प्रेफर करती हूँ ऑलिव ऑयल। अब इसमें मैंने 1-2 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरा को मैं चटकने देती हूँ थोड़ी सी, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब 2-3 चम्मच मैंने लहसुन की कलियों को रफली चॉप कर लिया है, और उसको तेल में डाल दिया है। जब आप ऐसे तेल में डाल के लहसुन को पकाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा क्रंच पैदा होता है स्पिनच एंड आलू की, पालक आलू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जब आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं, उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि चॉप्ड किया हुआ लहसुन से आता है। बस अब इस लहसुन को मैं थोड़ी देर ऐसे भून लेती हूँ, ताकि उसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। और उसके बाद मैंने अब मैंने एक प्याज लिया है, मीडियम साइज का प्याज है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इस प्याज को मैं लहसुन के साथ अच्छे से भूनती हूँ, बट इसे पूरा नहीं पकाना है, पूरा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, हमें बस इसको सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट होने तक इसको पकाना है। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें आलू को भी प्याज के साथ मैं भूनती हूँ। हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आलू को मैं प्याज के साथ भूनूँ, ताकि आलू जो होता है उससे क्रंच हो जाए, उसमें एक एक आउटर लेयर क्रिएट होता है जो थोड़ा हार्ड हो जाता है, और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उससे सॉफ्ट नहीं होता आलू। मैंने इसमें 3 स्मॉल छोटे से छोटे आलू लिए। छोटे आलू का टेस्ट जो होता है ना, बहुत बढ़कर आता है इसमें, तो मैंने उसको छील लिया, स्मॉल क्यूब साइज में इसको काट लिया। अब मैं इसे ऐसे ही प्याज के साथ मैं आलूओं को भूनती हूँ, और उसको ऐसे कवर करके हम लोग 5 मिनट तक इसको ऐसे पकाते हैं। मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, टमाटर लिया है लाल टमाटर ही है, और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, उसको बारीक काट लिया है। इसमें अब हम लोग आलू को टमाटर के साथ पकाएंगे। हमें पूरा 80% तक अब पका लेना है, और हल्का सा कसर आ जाएगा वो, फिर पालक के साथ हम लोग इसको पकाएंगे। अब इसमें हम लोग सब मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्पून धनिया पाउडर लिया है, और उसके बाद उसको अच्छे से चला देते हैं। और उसके बाद मैंने 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। इसी टाइम आप 1 चम्मच आप नमक डाल दीजिए, और इसको अच्छे से ढक के कवर करके जब तक 80% और 80% वो पक ना जाए, तब तक इसको अच्छे से पकाइए। बीच बीच में ढक्कन हटा के आप देखते रहिए उसको, ताकि हमारे आलू और मसाले लग ना जाए। वैसे ये लगेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टमाटर डाल दिया है, तो लगने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, क्योंकि टमाटर क्या होता है। अब इसी टाइम मैंने एक एक बड़ा चम्मच मैंने पूरा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है,
और इस टाइम आप एक चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, पर चिली फ्लेक्स डालने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है एक, तो आप उसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं 1 चम्मच। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है इसलिए उतना ज़्यादा तीखा तीखा नहीं होगा ये सब्जी। तो और हम लोगों ने ग्रीन चिली भी डाला है। ये आलू हमारे लगभग पक चुके हैं। अब इसके लास्ट में मैंने क्या किया है, पालक को ग्रेट कर लिया है, इससे हमारा टाइम भी बचता है। आप बहुत बारीक काट भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से अब मैं आलूओं के साथ डाल दूंगी। और ये क्या होता है, पालक थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है, तो उसी पानी में, और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है हमें, और एक्स्ट्रा पानी डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसी पानी में हमारे आलू जो 20% बचे हुए थे अब उसी में पक जाएंगे। अब इसमें कुछ भी और नहीं करना है आपको, बस ढक्कन ढक कर इसको 5 मिनट और पकाना है, जब तक आलू आलू हमारे पक न जाए। तो ढक्कन ढक लेते हैं इसको अब हम लोग। क्या स्वादिष्ट सब्जी दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि बस अभी गर्मा गर्म रोटी दो और या राइस दो, नान दो, बस खा लो। बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत कम मसालों के साथ बनाइए इसको, क्योंकि ये पालक और बिना मसाले की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनाती है। अब मैंने 1 चुटकी 1/4 स्पून मैंने इसमें हल्का सा गर्म मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, उसके बिना भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट डालने से बहुत अच्छा क्रंच पैदा होता है। हमें बस 2-3 मिनट और पकाना, जबकि जब तक कि साइड से ऑयल लूज ना होने लगे। अब बस इसे हमें स्विच ऑफ करना है गैस को, और इसे सर्व करना है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसे, रोटी नान चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसे आप बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को सर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और हमारा बच्चे भी हमारे बहुत ही मांग के खाएंगे इसको। आप बच्चों के लिए आप रोटी के बीच में मेयोनीज के साथ रोल करके दे सकते हैं, और हमारा मकसद भी पूरा हो जाता है उन्हें हरी सब्जियां खिलाने का, क्योंकि वो लोग हरी सब्जियां तो निकाल कर फेंक देते हैं। बट इस तरह से आप रोटी के बीच में रोल करके मेयोनीज या सॉस के साथ देंगे तो बहुत प्यार से खा लेंगे वो, अगर हमारा मकसद पूरा हो जाता है उन्हें हरी सब्जियाँ खिलाने का। डायबिटीज फ्रेंडली भी है इसे, आप डायबिटीज पेशेंट्स को भी खिला सकते हैं। तो अगर आपको चैनल ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है।